मिर्ची बॉलीवुड। पपीता का जूस बनाया जा रहा है, किसके लिए क्या प्लान है? सो बेसिकली ऐसे कहा जाता है कि अगर औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको पपीता नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज मतलब बच्चा गिरने के चांसेस होते हैं। सो अब तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस परिवार को बच्चा देकर जीत जाऊंगी सबके नज़रों में, लेकिन मुझे पता चलता कि बुलबुल भी प्रेग्नेंट है, तो मैं उसका बच्चा गिराने के पीछे नए नए टास्क बना रही हूँ। तो उसको मैं खरबूजे का जूस है ये बोलकर मैं उसको पपीते का जूस पिलाने जाती हूँ, ताकि मतलब मेरी सोच ये होती है कि उसका बच्चा गिर जाएगा एंड फिर इस परिवार को मैं ही बच्चा दे पाऊँगी और फिर मैं जीत जाऊँगी। अच्छा नहीं, उनके सामने इमेज अच्छी नहीं बनानी है मुझे। मैं बस कोशिश कर रही हूँ सबके सामने अभी इनोसेंट एक्ट कर रही हूँ, जैसे कि मुझे रियलाइज़ हो गई है कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की है, ताकि मैं उनके नज़र में अच्छी साबित हो सकूँ और फिर वैसे ही कुछ ना कुछ करके बुलबुल बुलबुल का अबॉर्शन हो जाए या उसका बच्चा गिर जाए, यही मेरी कोशिश है। देखो अगर बच्चा उन दोनों का बच्चा अगर मेरे पेट में अगर मैं बच्चा देती हूँ उस घर को, तो एनी विच वेज वो चाहकर भी मुझे नहीं निकाल पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा होने के बाद क्या पता शायद विजय वापस से आ जाए उसके पास, मंदिरा को ऐसा लगता है। बट लेट्स सी क्या होगा। नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू।